नमस्कार दोस्तों, तो हमारी ये बी कीपिंग के ऊपर, मधुमक्खी पालन के ऊपर 10वीं वीडियो है, पार्ट 10th वीडियो है। और इसमें हम बात करने वाले हैं माइग्रेटरी रूट्स, इंडिया में मधुपालक या बी कीपर क्या फॉलो करते हैं, कौन कौन सी जगह पे जाते हैं ताकि वो एक बेहतर हनी प्रोडक्शन ले सके। दोस्तों देखिये, मधुमक्खी पालन दो तरह का है, एक तो है माइग्रेटरी बी कीपिंग यानी चलत मधुमक्खी पालन, और दूसरा है स्टेशनरी बी कीपिंग या एक जगह पे जो मधुपालक रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये कंपेयर करके ये देखा गया है कि जो चलत मधुमक्खी पालन करते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है हनी प्रोडक्शन में, तो इसलिए आज हम उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं कि माइग्रेटरी रूट्स वो क्या फॉलो करते हैं भारत में, नॉर्थ इंडिया वाले क्या फॉलो करते हैं, साउथ इंडिया वाले क्या करते हैं, कुछ जो मुख्य स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, और उसमें हर एक स्टेट्स में अपनी अपनी बी फ्लोरा है यानी वो पौधे हैं जिनके ऊपर मधुपालक मधुमक्खियों को चराते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर मधुमक्खियों को लेके जाते हैं ताकि वो एक बेहतर उत्पादन हनी का ले सके, शहद का ले सके, पोलन का ले सके। दोस्तों जो बहुत तरह के बी फ्लोरा हैं, बहुत तरह के पौधे हैं, जैसे लीची हो गया जिसको नेफिलियम लीची बोलते हैं, मस्टर्ड हो गया, सरसों जिसको भी बोलते हैं हिंदी में, रेप सीड हो गया, ये भी एक सरसों की वैरायटी है, सनफ्लावर है, सूरजमुखी जिसको बोलते हैं, लियंथस एनुअस खैर हो गया जिसको अकेशिया कैटचू, इसके साइंटिफिक नेम आपको ये साथ में इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप नेट पे सर्च कर सकें कि ये पौधे किस तरह के दिखते हैं और आपको आइडिया लग सके। जामुन हो गया जिसको सीजीगियम क्यूमिनी बोलते हैं, प्लेक्ट्रेंथस रुगोसस बोलते हैं, पत्थरचूर इसको हिंदी में बोलते हैं, रबर का पौधा हो गया जिसको हीविया ब्राजिलेंसिस बोलते हैं, शीशम जिसको वैज्ञानिक नाम है डेलबर्जिया सिसु और हिंदी में इसको टाली भी बोलते हैं, यूकलिप्टस जो सफेदा हो गया वो हो गया, बरसीम हो गई जिसको ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम बोलते हैं, करंज हो गया जिसको पोंगामियम पिनाटा बोलते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं पौधे चलत मधुमक्खी पालन में शहद को उत्पादन करने में। दोस्तों जो ये माइग्रेटरी रूट्स हैं हमारे भारत में, ये पौधों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हैं जो कि कमर्शियल बी कीपिंग या व्यावसायिक मधुमक्खी पालन को चलाते हैं। दोस्तों अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो क्या करते हैं कि बी कीपर्स हैं जो, वो माइग्रेशन करते हैं बिटवीन हिल्स और प्लेन्स के बीच में, ये हिल और प्लेन के बीच में माइग्रेशन करते हैं, वो इनका एक रूटीन प्रोसीजर है जो व्यावसायिक मधुमक्खी पालक है। वो क्या करते हैं कि अक्टूबर नवंबर के एंड में वो कॉलोनीज को माइग्रेट करवाते हैं प्लेन्स की तरफ, उत्तरांचल के, उत्तर प्रदेश की प्लेन्स की तरफ, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, क्यों, ताकि जो सरसों और रेपसीड और मस्टर्ड है उनके फूलों के ऊपर वो मधुमक्खियों को लेके जा सकें और शहद उत्पादन कर सकें। दोस्तों फिर मस्टर्ड से वो कॉलोनीज को उठाते, जब मस्टर्ड का खत्म हो जाता तो कॉलोनीज को माइग्रेट करवाते हैं यूकलिप्टस प्लांटेशन के ऊपर जो उत्तर प्रदेश में है, यानी सफेदे की जो प्लांटेशन है उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, किस समय पे, दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में। कुछ बी कीपर्स क्या करते हैं कि वो अपनी माइग्रेशन को, पीरियड को बढ़ा देते हैं फरवरी तक, ताकि वो जो लेट, जिन्होंने सरसों की बुआई की है तो उनका लेट फूल निकलेगा वो फरवरी के एंड में निकलना शुरू हो जाता है, तो उसका वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ क्या करते हैं कि माइग्रेशन करते हैं लीची ऑर्चर्ड्स के ऊपर, जो लीची के बाग हैं कहाँ पे, रामनगर और देहरादून में, फरवरी से लेके मार्च के बीच में। और कुछ बी कीपर्स क्या करते हैं, सम बी कीपर्स माइग्रेट करते हैं फॉरेस्ट की जो प्लांटेशंस है उत्तर प्रदेश में, जैसे शीशम की हो गई, कब तक, मई तक। और कुछ बी कीपर्स माइग्रेट करवाते हैं सनफ्लावर के फील्ड्स हैं जो, या सरसों के जो खेत है पंजाब में, हरियाणा में, कब तक, मई तक। कुछ बी कीपर्स खैर फ्लो है जो, यानी जिस समय पे खैर, जो अकेसिया केटचू जिसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं, खैर का ब्लूम आता है कौन से समय में, जून से अगस्त के बीच में, कौन से एरिया में, बिलासपुर, हल्द्वानी, अम्ब, नालागढ़, हमीरपुर, ये हिमाचल में जगहें हैं, वहां पे वो माइग्रेट करते हैं बी कीपर्स खैर के फ्लो को इस्तेमाल करने के लिए। और कुछ माइग्रेट करवाते हैं उन एरियाज में जहाँ पे फैगोपाइरम करके एक पौधा है, और उन हिल्स के ऊपर हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे प्लेक्ट्रेंथस है यानी पत्थरचूर है। और इसके बाद वो अपनी कॉलोनीज को वापस से, जहां से वो चले थे पेरेंट स्टेट से, जहां से वो चले थे वहां पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो जुलाई अगस्त का टाइम है वो एक अभाव का समय होता है, जहां जिस टाइम पे, या जिसको बोलते हैं डर्थ पीरियड, DERTH, डर्थ पीरियड, जिस टाइम पे मधुमक्खियों को प्रॉपर पोलन या नेक्टर नहीं मिलता, तो अगर आपने माइग्रेशन करवाई है पहले, तो ये समय जो होगा जुलाई अगस्त का, वो आपकी मधुमक्खियां आसानी से सह सकेंगी। अगर आपने नहीं माइग्रेशन
वैक्सीनेशन करवाई तो आपको शुगर फीड या चीनी का घोल देना आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। और मधुमक्खी पालकों ने ये ऑब्जर्व किया है कि उनकी जब वो माइग्रेशन करवाते हैं तो उनका जो एवरेज हनी प्रोडक्शन आ जाता है एक हाइव से, एक छत्ते से, वो 50 से 60 किलोग्राम तक आ जाता है, और एक कलोनी से दूसरी कलोनी तैयार हो जाती है, डबल मल्टीप्लीकेशन हो जाती है उनकी, एक कलोनी से दो बन जाती है। जनरली जो कलोनीज की रेंज होती है वो 100 से 300 की होती है, जिसमें वो माइग्रेट करते हैं सिंगल ट्रक में, और वो डिस्टेंस करते हैं पावर 500 से लेके 800 किलोमीटर तक। अगर हम बिहार स्टेट की बात करें तो जो कि एक डोमिनेंट हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वहां पे काफी हनी प्रोड्यूस किया जाता है, काफी कमर्शियल बी कीपर्स हैं, व्यवसायिक तौर पे मधुमक्खी पालक हैं जो ये काम कर रहे हैं, चलत मधुमक्खी पालन। तो वो किस पे माइग्रेट करवाते हैं, वो लीची और करंज के पौधों के ऊपर माइग्रेट करवाते हैं। क्या करते हैं कि जो कॉलोनीज को वो माइग्रेट करवाते हैं अलग अलग जो स्टेट्स में, जहाँ पे भी मधुमक्खी पालक अलग अलग जगह है बिहार में, वहां से वो माइग्रेट करते हैं मुजफ्फरपुर में और ईस्ट चंपारण में, जो पूर्व चंपारण है वहां पे, कब किस समय में, मार्च से लेके अप्रैल के बीच में, ताकि वो लीची फ्लो का इस्तेमाल कर सके, यानी लीची जब फुल ब्लूम पे होती है उसका इस्तेमाल कर सके हनी को, हनी की प्रोडक्शन में, शहद की प्रोडक्शन में। अब लीची के बाद वो क्या करते हैं, कुछ बी कीपर्स माइग्रेट करते हैं, स्थानांतरण करते हैं झारखंड की तरफ, कब तक, मई के एंड तक, ताकि वो करंज फ्लो है, जो करंज पोंगामिया पिनाटा ये इसका वैज्ञानिक नाम है इस पौधे का, उसका वो इस्तेमाल कर सके। जनरली क्या करते हैं, सामान्यतः बी कीपर्स माइग्रेट कर देते हैं दोबारा से अपनी जहां से वो चले थे, लीची फ्लो और करंज फ्लो के बाद, या इन दोनों का इस्तेमाल करने के बाद वो चले जाते हैं। कुछ बी कीपर्स अपना पीरियड एक्सटेंड कर देते हैं नवंबर तक, और ताकि अपनी वो कॉलोनीज को बढ़ा सके। किसके ऊपर वो माइग्रेट करते हैं, बोरासस के ऊपर, कोरिएंडर, मोरिंगा, कोरिएंडर हो गया धनिया, मोरिंगा ड्रम स्टिक हो गया, और मेज जो झारखंड एरिया में है, मक्की उस टाइम पे होती है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें या साउथ इंडियन जो स्टेट्स है, जैसे केरला, तमिलनाडु, उसमें एक मुख्य स्टेट्स हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वो इंटेंसिव माइग्रेशन कहाँ पे करते हैं, रबर प्लांटेशंस के ऊपर, किस समय में, जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में, क्योंकि वहां पे ये ही एक डोमिनेंट सोर्स है शहद उत्पादन का, रबर प्लांटेशंस है, ठीक है। और ये देखा गया है कि इसका पोटेंशियल इस एरिया का 80,000 टन तक है अगर मधुमक्खी पालन किया जाए इस एरिया में। देखिए रबर है जो, वो कंसीड रबर प्लांट है जो, उससे जो हनी शहद प्रोड्यूस होता है वो तीसरा मेजर सोर्स है हनी का, मस्टर्ड या रेप सीड और सनफ्लावर के बाद, सूरजमुखी और सरसों के बाद, ये तीसरा रबर है जो मुख्य सोर्स है हनी का प्रोडक्शन में इंडिया में, ठीक है। बी कीपर्स जो केरला और तमिलनाडु के है, वो माइग्रेट करते हैं कॉलोनीज को कहाँ, किस एरियाज में, क्यूलोन में, कोटायम में, चंगानचेरी में, त्रिचूर में, पालघाट और कोड़ीकोड में, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में रबर हनी फ्लो को इस्तेमाल करते हैं इन एरियाज में जाके। देखिए जो ये पीरियड है नेक्टर सिक्रेशन का रबर प्लांट में, ये वेरी करता है जगह के हिसाब से। तो इस बी कीपर्स अपनी कॉलोनीज को शिफ्ट करते हैं जगह, वन रीजन से दूसरे रीजन में टाइम के हिसाब से, ठीक है। कुछ बी कीपर्स क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं टैमरिंड फ्लो के ऊपर, जो इमली है उसके ऊपर भी करवाते हैं, कौन से समय में, मई टू जून के ऊपर, कौन सी जगह में, तमिलनाडु में, ठीक है। कॉलोनीज को माइग्रेट हाई रेंजेस की तरफ भी करवाया जाता है, जैसे देवीकुलम की जो हाई रेंज है, पीरीमेडु में, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कार्डमम एस्टेट्स है, यानी इलायची के जो बाग हैं, वहां पे कॉलोनीज को माइग्रेट करवाया जाता है। कॉलोनीज को और जगह भी माइग्रेट करवाते हैं, जैसे कैश्यू के ऊपर, काजू के ऊपर, कॉफी के ऊपर, यो यूकलिप्टस जो कॉमन होते हैं रीजन में, ठीक है। ये तो दोस्तों आगे बात सदरन स्टेट्स की बात कर ली हमने, अब हम वेस्ट बंगाल की बात करें थोड़ी, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनीज है जो, वो माइग्रेट करवाई जाती है सुंदरबन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहां पे ऑर्गेनिक हनी प्रोडक्शन के लिए मधुमक्खी पालक वहां जाते हैं माइग्रेटरी बी कीपिंग के लिए। और कश्मीर की बात करें तो कॉलोनीज को माइग्रेट करवाया जाता है आइसोडोन रुगोसस के ऊपर, सैफरन के ऊपर, केसर जिसको बोलते हैं, क्रोकस सटाइवस, ये मेजर फ्लोज हैं कश्मीर के। दोस्तों तो ये आपको पहले ही हमने बात कर ली थी कि जो माइग्रेटरी बी कीपिंग है, चलत मधुमक्खी पालन है, वो स्थिर मधुमक्खी पालन से, स्टेशनरी बी कीपिंग से ज्यादा प्रोड्यूस करता है हनी को, ठीक है। जो डाइवर्सिफाइड फ्लोरा है, जैसे अलग अलग फ्लोरा है, जैसे लीची हो गया, सनफ्लावर है, करंज है, बरसीम है, जामुन है, प्लेक्ट्रेंथस है, इनका एक हाई रेपुटेशन है मार्केट में, और ये ब्रांड नेम
के हिसाब से बिकते हैं, यानी लीची के नाम से बिकेगा पूरा। ये लीची वाला शहद है, ये करंज का शहद है, ये बरसीम का शहद है, ठीक है। कस्टमर्स में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इनको अच्छा मार्केट प्राइस मिलता है इन फ्लोरल हनीज का, इन फूलों वाले शहद का। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की, वेस्ट बंगाल की, कश्मीर की, बिहार की, ये मेजर मेजर थोड़ा मुख्य मुख्य बातें हमने बात करी। थोड़ी इन वीडियो थोड़ी सी लंबी है, हो जाएगी, पर क्या करें, अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो वीडियो तो लंबी बनेगी। देखिए अब हम बात करते हैं हनी बी माइग्रेशन है कंट्री में, स्टेट वाइज के हिसाब से, राज्य के हिसाब से कैसे माइग्रेट करते हैं मधुमक्खी पालक, किस समय में माइग्रेशन करते हैं, कौन से जोन में। अगर मधुमक्खी पालन मान लो किसी स्टेट में रह रहा है किसी स्पेसिफिक जोन में, तो वो कौन से मंथ में माइग्रेशन करेगा और उसको कौन से बी प्लांट्स मिलेंगे माइग्रेशन करने पे जब वो स्थानांतरण करेगा। दोस्तों इससे आपको मदद मिल सकती है। हम सिर्फ अभी हिमाचल प्रदेश स्टेट की बात करते हैं क्योंकि इस राज्य में भी काफी मधुमक्खी पालन है करने वाले लोग हैं, तो बाकी और अदर स्टेट्स का, मेजर स्टेट्स का आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उसको देखते जाएं और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं जिसके आपको एक आइडिया हो जाए। देखिए दोस्तों हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो जोन्स है वो चार तरह के जोन है। एक तो शिवालिक हिल जोन है, मिड हिल जोन है, हाई हिल जोन है और कोल्ड ड्राई जोन है। शिवालिक जो हिल जोन या लो हिल जोन भी हम इसको बोल सकते हैं, ये एरिया है जहां पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है ना, और ये है 350 से 650 मीटर के मीन सी लेवल से, ये 350 से 650 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। और यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो करवाई जाते हैं जैसे वीट हो गया, मक्की हो गई, धान हो गया, चना हो गया, शुगर केन हो गया, मस्टर्ड हो गया, पोटैटो हो गया, वेजिटेबल्स ये ग्रो करवाई जाती हैं, ठीक है। आपको ये नाम इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस रीजन में कौन सा। अब आपको जो प्रॉपर देखना है कि आपका शिवालिक हिल जोन है कौन सा हिल जोन है, तो आप नेट पे जाएं और सीधा डायरेक्ट सर्च करें कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में लाई करता है, आपको जोन बता दिए जाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा एग्जाम्पल दे दूं, जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट हैं और कुछ पार्ट सिरमौर का, कांगड़ा का, सोलन का, चंबा का डिस्ट्रिक्ट का, वो इस जोन में आता है शिवालिक हिल जोन में, ठीक है। उसी तरह मिड हिल जोन है जो 651 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग भी वेजिटेबल्स ग्रो करवाई जाती हैं, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स भी यहाँ पे ग्रो करवाई जाती हैं, जैसे जिंजर है, टेम्परेट वेजिटेबल्स है जैसे कॉलीफ्लावर है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइल्ड टेम्परेट क्लाइमेट है, ठीक है। और तीसरा हाई हिल जोन है जो की 1801 से लेकर 2200 मीटर तक मीन सी लेवल से है, और यहाँ पे ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट है, यानी नमी वाला और ठंडा क्लाइमेट है। उसी तरह कोल्ड ड्राई जोन है जो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, इसमें पांगी तहसील है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी ऊंचाई 2200 मीटर अबव मीन सी लेवल है, समुद्र से 2200 मीटर से भी ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे पोटैटो सीड है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल क्लाइमेट यहाँ पे होता है। तो ये तो थोड़ी हमने जोन्स की बात कर ली हिमाचल के अंदर। अब मंथ ऑफ माइग्रेशन, जैसे शिवालिक हिल जोन में अगर फरवरी से अप्रैल के बीच में मंथ ऑफ माइग्रेशन कर सकते हैं और आपको इंपॉर्टेंट बी प्लांट्स कौन से मिलेंगे, ब्रासिका जो सरसों है, प्रूनस हो गया जैसे प्लम का प्लांट है, लीची और सिट्रस यानी नींबू वर्गीय जो पौधे, ठीक है। मई जून में माइग्रेशन करेंगे तो ट्राइफोलियम डेलबर्जिया मिलेगा, ट्राइफोलियम यानी बरसीम, डेलबर्जिया यानी टाली हो गई, है ना। और अगस्त अक्टूबर में करेंगे तो अकेसिया बोहिनिया, अकेसिया हो गया, खैर बोहिनिया हो गया, जैसे कचनार, प्लेक्ट्रेंथस जैसे पत्थर चू जिसको बोलते हैं, जीएमएस यानी मक्की हो गई, और अक्टूबर दिसंबर में प्लेक्ट्रेंथस है, हेलियंथस है, हेलियंथस यानी सूरजमुखी, सीडियम अमरूद के फ्लावर्स, ब्रासिका हो गया, सरसों मिल जाएगी। तो ये हो गए इस जोन के अंदर। उसी तरह मिड हिल जोन में है मंथ ऑफ माइग्रेशन अगर आप करते हैं, इंपॉर्टेंट बी प्लांट्स आपको कौन से मिलेंगे, तो इस तरह से। और मेजर जो यहाँ पे पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो है जैसे मक्की हो गई, खैर हो गया, ब्रासिका हो गया, सरसों, यूकलिप्टस यानी सफेदा हो गया, अजरेटम हो गया, नींगा फुलनु, प्रूनस हो गया, प्लम हो गया, ठीक है। और मेजर जो नेक्टर को प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं जैसे प्लेक्ट्रेंथस है, ब्रासिका है, ट्राइफोलियम है जिसको बरसीम बोला, केसिया, वही खैर, प्रूनस, यूकलिप्टस, सिट्रस, किन्नु, है ना। और पॉइजनस प्लांट्स अगर हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी स्टेट में है रोडोडेंड्रोन की, जो हिमाचल का स्टेट प्लांट है, इसका जो नेक्टर है वो टॉक्सिक होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ठीक है। और मेन फ्लावरिंग सीजन बी
प्लांट्स हैं जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ईयर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो आपको बताए, ये किसी न किसी समय पे होते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग फ्लोरल गैप यहाँ पे जनरली जुलाई से अगस्त तक होता है, अभाव का पीरियड है, जिसको डर्थ पीरियड भी बोलते हैं। टाइप ऑफ हनी बी स्पीशीज प्रेजेंट है यहाँ पे एपिस सिराना, इसको भारतीय मधुमक्खी बोलते हैं, एपिस डोरसेट है यानी पहाड़ी मधुमक्खी, और एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी, विदेशी मधुमक्खी। डर्थ पीरियड यहाँ जुलाई अगस्त में प्लेन्स में आता है और दिसंबर से जनवरी हायर हिल्स में आता है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ बी प्लांट्स काफी ज्यादा है। सीजन ऑफ हनी फ्लो किस टाइम पे अबंडेंट होता है, जैसे बहुत आप बोल सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में होता है, वो हायर हिल्स की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में और फिर फरवरी से जून के बीच, और अगर लोअर प्लेन हिल्स की बात करें, प्लेन्स की बात करें, तो सितंबर से दिसंबर और मार्च से लेके जून तक ये हनी फ्लो का सीजन है, जहाँ जिस टाइम पे प्रचुर मात्रा में हनी के लिए बी फ्लोरा होता है। उसी तरह अलग अलग स्टेट्स की आपको आगे अब स्लाइड्स आती जाएंगी, आप देखते जाएं, ठीक है। जैसे पंजाब का आ गया, उसी तरह हरियाणा का आएगा, तो
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है इस वीडियो में वो शेयर करने लायक है तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।